हेलो एवरीवन, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो है। इसमें आपको सारे यूनिट के अबाउट जो है आपको मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताने वाला हूं। और एक क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको फर्स्ट यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है। मुझे जहां तक लग रहा है कि इन्हीं दोनों में से आपको जो है 70 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट के पढ़ने क्वेश्चन से। तो इसमें क्या थ्योरी बहुत ज्यादा लिखना होगा, तो ऑलरेडी आपको मैंने जो है कैसे एग्जाम में लिखा जाता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको थ्योरी लिखने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से आप लिख सकते हो थ्योरी को। ठीक है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन सी चीजों को ध्यान देनी पड़ती है, वो सारी चीजें मैंने बताया है उसमें। पहला क्या है आपका, तो ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताओ, ओएसआई मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करो, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग के बारे में। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में आ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलता हूँ ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका वायर्ड एंड वायर, ये सेवन और सिर्फ फाइव और सेवन वाला जो है वायर, ये वायर्ड वाला है। ठीक है, यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर है, और यहाँ पर जो है वायरलेस मीडियम के बारे में, अनवांटेड डिसअडवांटेज सारी चीजें आप देख लेना। ठीक है, देन कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इस टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं ये बारे में देख लेना। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आ जाएंगे फर्स्ट यूनिट में से। सेकंड यूनिट में आते हैं तो एलोहा प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब मैं एमसीए करा था तभी बहुत ज्यादा पूछा जाता था। देन टीडीएमए, एफडीएमए और सीडीएमए ये भी आपका पूछा जाता है। स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेन एलिमेंट्री डाटा लिंक प्रोटोकॉल एंड टाइप्स ऑफ डाटा लिंक प्रोटोकॉल, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रोल इधर कंट्रोल आपका यहाँ पूछ सकता है। ठीक है, देन आपका गो बैक एनआरक्यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी बहुत सारे उसमें देखा हूँ, ये जल्दी ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नहीं चलते हैं आपका कंजेशन कंट्रोल के ऊपर, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग आंसर आने वाला है इसमें। ठीक है, देन राउटिंग क्या होता है, आईपी प्रोटोकॉल, आईपी हेडर, दोनों चीज यहां पर आ गया। ठीक है, आईपी एड्रेस कौन कौन से टाइप होते हैं, और IPv4 IPv6 में डिफरेंस क्या होता है, ये शायद आए कुछ, इसका मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये शायद आ सकता है। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या फंक्शन कौन कौन से होते हैं, और क्या क्या डिजाइन इश्यू होता है, ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पूछेगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में चलते हैं, यहाँ पर डिजाइन इशू, सेशन लेयर का डिजाइन इशू क्या है। ठीक है, फिर आरपीसी बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत रिपीट करके पूछ क्वेश्चन आता है, तो ये आ सकता है। ठीक है, देन डिजाइन इशू सेशन प्रेजेंटेशन लेयर का भी डिजाइन इशू, ये हो गया। देन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ सकता है, शॉर्ट आंसर में आएगा, लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा। देन इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, क्या कंपोनेंट होते हैं, कौन जो है, और जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईमेल सिस्टम ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आप तैयार करके चलोगे तो जहां तक उम्मीद है आराम से आप 70 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आप हर टॉपिक पढ़ डालो फर्स्ट और सेकंड यूनिट का, जहां तक है आपको क्योंकि 10 क्वेश्चन आए, 10 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आराम से 5 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड यूनिट से ही आराम से मिल जाएंगे। जहां तक मुझे लग रहा है 6 क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट से आने वाले हैं, देन थर्ड और फोर्थ यूनिट से 2-2 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जहां तक मुझे यही लग रहा है, तो देखते क्या होता है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।